गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हमने पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। आज की जो हमारी क्लास है वो भी पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन से है, और वो क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स, कि एक रोम्बस है उसकी स्क्वायर उसकी साइड के स्क्वायर्स का सम उसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल है। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स, मीन्स जो एक रोम्बस है उसकी चारों साइड के स्क्वायर का सम, उनकी साइड का स्क्वायर करेंगे और उनका सम उसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो एक रोम्बस बना लेते हैं हम, ये एक हमारे पास क्या है, एक रोम्बस है, रोम्बस ए बी सी और डी, ठीक है, ये ज्यादा बाहर हो गया, रोम्बस ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है जिसके चारों साइड आपस में क्या है, इक्वल है, और ए सी एंड बी डी आर टू डायगोनल्स, एंड ए सी और बी डी क्या है, टू डायगोनल्स है। देखिए मीन्स हमें गिविन जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, हमें केवल इतना पता है कि एक रोम्बस है और ए बी और ए सी क्या है, उसके डायगोनल्स, यानी एक रोम्बस गिविन है हमें, उसके अलावा कुछ नहीं है, और विद डायगोनल दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है, जैसे ही ए बी सी डी एक रोम्बस है तो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती है, देन तब ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए सॉरी सी डी इक्वल टू डी ए, मीन्स ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों साइड क्या है, आपस में इक्वल है, एंड डायगोनल्स डायगोनल्स ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट Each other at O, और जो हमारे डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, किस पॉइंट पर, एट ओ पर, और किस तरह से करते हैं, ईच अदर एट ओ, और हमें पता है कि जो रोम्बस होता है उसके डायगोनल जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं किसी राइट एंगल पर, कैसे पे करते हैं, राइट एंगल पर, नाइन्थ क्लास में हमने पढ़ा है कि रोम्बस के बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल, ठीक है। तो ये हमें गिवन है कि ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है, और ए बी बी सी सी डी और डी ए क्या है, एक रोम्बस है, ए बी बी सी सी डी और डी ए क्या है, चारों साइड आपस में इक्वल है, एंड डायगोनल्स ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ, ठीक है। तो देखिए उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स, इसकी साइड्स का स्क्वायर का सम, तो इसकी साइड कौन कौन सी है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल, इसके डायगोनल्स के स्क्वायर का सम, तो डायगोनल्स कौन कौन से हमारे पास, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यानी इसका डायगोनल कौन सा है, ए सी और बी डी इन दोनों के स्क्वायर का सम, यानी इस रोम्बस के चारों साइड के स्क्वायर का सम हमें किसके इक्वल दिखाना है, इस दोनों के डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल दिखाना है। कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है, सीधा इसमें प्रूफ, हम जानते हैं कि जो आपका रोम्बस होता है उसके डायगोनल्स जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, वी नो
दैट डायग्नस ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट राइट एंगल। जो रोम्बस के डायग्नस होते हैं वे एक दूसरे को क्या कहते हैं, राइट एंगल पर क्या कहते हैं, बाइसेक्ट कहते हैं। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ट्रायंगल ए ओ बी आपका क्या आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। देन ट्रायंगल ए ओ बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। कैसा आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल एट ओ, ओ पॉइंट पर क्या है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस लग सकती है, और राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनस, यानी ए बी हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। क्लियर। बाय पाइथागोरस, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर। ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर के, क्योंकि ये हाइपोटेनस हो जाएगा तो ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हमने हमें पता है कि जो रोम्बस है उसके डायगोनल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा ए ओ ए ओ है साइड, ये क्या होगी, वन हाफ ऑफ ए सी। तो इसकी जगह हम रख लेंगे वन हाफ ऑफ ए सी, प्लस जो बी ओ है वो होगी वन हाफ ऑफ बी ए। यहां पर रीजन दे सकते हो आप, ए ओ इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ ए सी एंड बी ओ इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ बी ए। मीन्स आपने देखा कि वन अपॉन फोर ए सी स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर बी डी स्क्वायर, मीन्स वन अपॉन फोर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर वन। तो यहां से आपने दिखा दिया कि ए बी स्क्वायर जो होता है वो वन अपॉन फोर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के होता है, ठीक है। अब सिमिलर सिमिलर ट्रायंगल बी ओ सी भी क्या होगा आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। सी ओ डी भी आपके पास क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और डी ओ ए भी क्या होगा आपके पास, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो जब बी ओ सी राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसमें भी पाइथागोरस लगेगी, तो उसमें क्या आएगा, बी सी का स्क्वायर आएगा, मीन्स बी सी स्क्वायर इक्वल टू उसमें आएगा बी ओ स्क्वायर प्लस सी ओ स्क्वायर, और बी ओ आपका बी डी का हाफ होगा और सी ओ आपका AC का हाफ होगा। तो वहां से आ जाएगा आपका 1 अपॉन 4 AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। जब वो लेके चलेंगे CD स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 4 AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। और DA स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 4 AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। इनको कंप्लीट दिखाने की जरूरत नहीं है, तो हमने यहाँ पे दिखा देंगे कि बी सी स्क्वायर भी क्या होगा, 1 अपॉन 4 ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। उसके लिए हम ए सी स्क्वायर बी डी स्क्वायर कैसा होगा, क्योंकि उसमें बी ओ आएगा, बी ओ क्या होगा, 1 हाफ ऑफ बी डी होगा, तो यानी 1 अपॉन 4 हो जाएगा बी डी। और यहाँ पे सी ओ आएगा, सी ओ आएगा जो क्या होगा, 1 अपॉन 2 क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा। तो वहां से क्या जाएगा, 1 अपॉन 4 ए सी स्क्वायर। तो इसी तरीके से जब हम सी डी लेके चलेंगे तो उसमें ओ सी ओ सी आएगा, तो आपको कंटिन्यूसली क्या मिलता रहेगा, सी ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर मिलता रहेगा। अब इक्वेशन 1, 2, 3, 4 चारों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग 1, 2, 3 एंड 4। तो जैसे हम इनको ऐड करेंगे तो ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर डी ए स्क्वायर चारों साइड का स्क्वायर का सम, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल। और उसका देखिए इन सभी में 1 अपॉन 4 कॉमन आ जाएगा, तो जैसे 1 अपॉन 4 कॉमन लेंगे तो ए सी स्क्वायर
ac square, 4 times of ac square, bd square, 4 times of bd square, means 1 upon 4 into 4 times of ac square plus bd square. जो 4 टाइम्स होगा 4 कॉमन लेके यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो आपने दिखा दिया कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर. यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था. तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 4 साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल, जो हमें प्रूफ करना था. तो स्टूडेंट्स ये भी आपका क्या है, राइट, पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन था जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये आपको कंप्लीट करना है. मिलते हैं कल की ऑनलाइन क्लास में, जिसमें हम एक नया टॉपिक या नए टाइप के क्वेश्चन के साथ पे. ठीक है, थैंक यू.